राहुल, प्रिया और राजन कॉलेज के पक्के दोस्त थे। वो तीनों एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के बारे में सोच रहे थे। वो वर्ल्ड के टॉप डायरेक्टर्स बनना चाहते थे। रात के 10 बज रहे थे। वो तीनों इस वक्त शिमला में घूमने आए थे और होटल के कमरे में इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे। समझ में नहीं आता यार कि आखिर हम किस कॉन्सेप्ट पर डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाए। अरे यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, किसी भी कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें तो बस एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनानी है और अपने काम को खत्म करना है। तुम दोनों पागल हो गए हो। हम किसी भी बेकार कॉन्सेप्ट पर डॉक्यूमेंट्री मूवीज नहीं बना सकते, क्योंकि हमें अपनी ये डॉक्यूमेंट्री मूवीज इंटरनेशनल प्रीमियर में दिखानी है। मुझे अपना मजाक बिल्कुल नहीं बनवाना। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हमें किसी ऐसे कॉन्सेप्ट पर मूवी बनानी चाहिए जो आज तक किसी ने न बनाई हो, कोई रियल कॉन्सेप्ट। मेरे जहन में एक आइडिया है दोस्तों, पर पता नहीं वो आइडिया तुम दोनों को पसंद आएगा या नहीं। अब ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा कि हमें पसंद आएगा या नहीं। क्यों ना हम लोग रियल घोस्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाए। राहुल की बात सुनकर राजन और प्रिया कुछ देर तक बड़ी गंभीर मुद्रा में राहुल के चेहरे की ओर देखते रहे। अचानक वो दोनों राहुल का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। तू पागल हो गया क्या राहुल? घोस्ट, आत्मा, ये सब फिल्मों में अच्छी लगती है यार। तो मैं भी फिल्म बनाने की ही बात कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। और सब जानते हैं कि फिल्मों में मेकअप करके घोस्ट बनाया जाता है और हमें डराया जाता है। और अब तो VFX का भी इस्तेमाल होने लगा है। ये टेक्निक जब से आई है तब से ये घोस्ट एकदम रियल लगते हैं। यही तो मैं तुम दोनों को समझाना चाहता हूँ। सोचो, अगर हमारे कैमरे में कोई रियल घोस्ट रिकॉर्ड हो जाए तो हम तीनों की किस्मत रातों रात पलट सकती है। और यहाँ से कुछ दूर एक कब्रिस्तान है। कहते हैं कि उस कब्रिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लावारिस लाशें ही दफनाई जाती है। उस कब्रिस्तान के बारे में ये बात मशहूर है कि वहाँ एक डायन रहती है, और कहते हैं कि जो भी उस डायन को अपनी आंखों से देख लेता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर मेरा दिल कहता है कि वहाँ पर कुछ तो है। वो सब उस कब्रिस्तान पर जाने के लिए राजी हो गए। वो तीनों दोस्त होटल के रूम से बाहर निकल आए। बाहर सर्दी बहुत ज्यादा थी। हर कपा देने वाली ठंडी शीत लहर चल रही थी। हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। वो तीनों एक कार के अंदर बैठ गए। राहुल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और उसने अपने कार की दिशा उस कब्रिस्तान की ओर ली। कुछ ही वक्त में वो उस कब्रिस्तान में खड़े थे। पता नहीं क्यों उस कब्रिस्तान के खौफनाक सन्नाटे को देखकर प्रिया के जिस्म के रोंगटे खड़े होने लगे। भयंकर सर्दी में उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगीं। मगर उसने इस डर को बड़ी खूबसूरती से छुपा लिया। राहुल ने तुरंत वीडियो कैमरा निकाल लिया। राहुल अंधेरे में रिकॉर्डिंग करते हुए कब्रिस्तान के गेट से होते हुए अंदर चला गया, और उसके पीछे पीछे राजन और प्रिया कब्रिस्तान के अंदर चले गए, जहां गहरा अंधेरा था। मगर तीनों ने उस कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा ही था कि तभी राहुल और राजन के कान में प्रिया की दिल दहला देने वाली चीख टकराई। प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? जल्दी से टॉर्च निकाल राजन। राजन ने तुरंत अपनी टॉर्च निकाल कर जला दी, मगर उसने देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी हुई उन दोनों को सवालिया नजरों से देख रही थी। तुम चीखी क्यों? मैं तो बिल्कुल नहीं चीखी, बल्कि मैं तो खुद ही हैरान हूँ कि मुझे मेरी चीख क्यों नहीं सुनाई दी। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक तो हमें यहाँ पर खुद लेकर आया और ऊपर से बोल रहा है कुछ तो गड़बड़ है, तू सिर्फ रिकॉर्डिंग कर। अपने दोस्तों के कहने पर राहुल कब्रिस्तान के अंधेरे में शूट करने लगा। कुछ वक्त बाद राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब तो कंप्यूटर में देखकर ही पता चलेगा कि कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है। तीनों अपनी कार में बैठ गए। राहुल के चेहरे पर थकान झलक रही थी। क्या हुआ राहुल, तेरे चेहरे पर थकान कैसी? पता नहीं क्यों यार, जब से कब्रिस्तान से बाहर निकला हूँ मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे कंधे भारी से हो गए हैं। कुछ ऐसा मुझे भी महसूस हो रहा है यार, लेकिन मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू इस बात का मजाक ना उड़ाए। प्रिया, क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है? मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। राहुल ने तेजी से कार को होटल की ओर दौड़ा दी। होटल के रूम में पहुंचकर राहुल अपने लैपटॉप से अपने कैमरे पर की हुई रिकॉर्डिंग देखने लगा।
अचानक राहुल के मुंह से दर्द की वजह से हल्की सी चीख निकल गई। क्या हुआ? पता नहीं यार, बहुत सा बोझ महसूस हो रहा है, मानो किसी ने बहुत सारा वेट मेरे कंधों पर रख दिया है। अजीब बात है, कार के अंदर मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल सही महसूस हो रहा है। टेंशन मत ले, मेरे पास पैरासिटामोल रखी है, उसे खाकर सो जाना, तुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले रिकॉर्डिंग को देख लेना चाहिए। होटल रूम में आते ही प्रिया बाथरूम में चली गई। राहुल और राजन ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ाली। तभी उन दोनों को लैपटॉप में कुछ ऐसा दिखा कि उन दोनों के गले से डर की वजह से एक जोरदार चीख निकल गई। उनकी आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गईं। वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को हक्का बक्का होकर देखने लगे। दरअसल उन दोनों ने देखा कि जैसे ही वो कब्रिस्तान में एंटर हुए, एक बेहद भयानक दिखने वाली औरत प्रिया को अपने पंजों में उड़ा कर ले गई। उन दोनों ने लैपटॉप में देखा कि वो कब्रिस्तान में अकेले नहीं थे। उन तीनों के अलावा कब्रिस्तान बहुत सी भयानक दिखने वाली रूह से भरा हुआ था, और वो भयानक चेहरे वाले राहुल और राजन की ओर घूर घूर कर देख रहे थे। राजन ने तुरंत लैपटॉप को बंद कर दिया और चीखते हुए राहुल की ओर देख कर बोला, आखिर वो खतरनाक औरत कौन थी जो प्रिया को अपने पंजों में उड़ा कर ले गई? सवाल ये नहीं है कि वो प्रिया को उड़ा कर ले गई, सवाल ये है कि जो हमारे साथ प्रिया आई है वो कौन है? तभी राजन शीशे की ओर इशारा करते हुए बुरी तरह से चीखा। राहुल ने जैसे ही खुद को शीशे में देखा तो उसके भी गले से एक जोरदार चीख निकल गई। तेरे दोनों कंधों पर कोई बैठा हुआ है राहुल। राहुल के दोनों कंधे पर भयानक दिखने वाली औरत बैठी हुई थी, जो सिर्फ शीशे में ही नजर आ रही थी। हमें यहाँ से भागना होगा मेरे दोस्त। तभी प्रिया बाथरूम से निकलकर बाहर आ गई। अचानक राहुल के कंधे पर बोझ खत्म हो गया, मगर प्रिया का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं, लेकिन देखते ही देखते प्रिया एक भयानक डायन में तब्दील हो गई। उस डायन का जिस्म लचीला था। तभी वो डायन बहुत तेजी से राहुल की ओर झपकी और एक ही झटके में राहुल के कंधे में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पी गई। उस डायन ने राजन को कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया और उसने राजन के साथ भी वही किया जो राहुल के साथ किया था। दरअसल प्रिया को तो कब्रिस्तान में डायन उसी वक्त उड़ा कर ले गई थी। प्रिया की लाश तो कब्रिस्तान में ही पड़ी हुई थी। कुछ ही सेकंड्स में वो डायन हवा में गायब हो गई। अगले दिन पुलिस को होटल में राहुल और राजन की लाश मिली। पुलिस इंस्पेक्टर करण अपने हवलदार से बोला, इन दोनों की लाशों की हालत देखकर लगता है जैसे कि इन दोनों को किसी जंगली जानवर ने मारा है, मगर इस 5-स्टार होटल में जंगली जानवर कैसे आ सकता है? इन्हें किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा साहब, ये जरूर उस कब्रिस्तान में वीडियो शूट करने के लिए गए होंगे। कुछ दिन पहले मुझे जानकारी मिली है कि उस कब्रिस्तान में प्रिया नाम की लड़की की लाश पाई गई है। उसकी शरीर को भी चीर फाड़ कर दिया है। वो इन दोनों के साथ शिमला आई थी। सारा शिमला जानता है साहब कि वहाँ एक डायन का राज है। तुम ये बात दावे से कैसे कह सकते हो? देख नहीं रहे साहब, सामने कैमरा रखा है, लैपटॉप ऑन पड़ा है, जरूर ये दोनों कैमरे में उसी डायन को रिकॉर्ड करने गए होंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देखूंगा। ऐसी गलती मत करना साहब, नहीं तो आज की रात तुम्हारी भी आखिरी रात होगी, क्योंकि वहाँ कुछ तो है। हवलदार की बात सुनकर न जाने क्यों इंस्पेक्टर करण के डर से रोंगटे खड़े हो गए, और फिर कुछ दिन बाद पुलिस ने फाइल क्लोज कर दी।